हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एम्बिलाइकल कॉर्ड के बारे में। एग्जाम में एम्बिलाइकल कॉर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। तो इसमें देखिए, जो भी एम्बिलाइकल कॉर्ड है हम उसको फ्यूनिस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्यूनिस नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्यूनिस किसे कहते हैं, किसका अदर नेम है, तो वो है एम्बिलाइकल कॉर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या काम करता है? ये है प्लेसेंटा और जो फिटस है उनके बीच में कनेक्टिक लिंक का काम करता है। कनेक्टिक लिंक मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे ये आपका हो गया फिटस, ठीक है, और ये इसकी एम्बिलाइकल कॉर्ड है, किससे जुड़ी है? प्लेसेंटा से। ठीक है, ये हो गया फिटस और ये हो गई प्लेसेंटा। तो ये इसके बीच में इनको दोनों को जोड़ने का काम करती है, क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम डेवलपमेंट का, कि जो भी अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में। तो इसमें देखिए, जो भी अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसका निर्माण होता है कनेक्टिव स्टाक से। इससे कनेक्टिव स्टाक से, और हम इसको बॉडी स्टाक के नाम से भी जानते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका निर्माण कहाँ से होता है? तो होता है कनेक्टिव स्टाक से। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कनेक्टिव स्टाक है क्या? तो जो भी कनेक्टिव स्टाक है ये क्या है? ये एक मीजोब्लास्टिक जो भी टिश्यू है उसका बैंड है। बैंड होता है मतलब एक गुच्छा होता है, किसका? मीजोब्लास्टिक टिश्यूज का। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन के बीच तक फैला रहता है। इसके बीच में फैला रहता है, जो भी एम्ब्रियोनिक डिस्क है और कोरियन है उसके बीच में। ठीक, नेक्स्ट, शुरुआत में यह है मतलब जो भी कनेक्टिंग स्टाक है यह किससे जुड़ा रहता है? जो भी एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसके कॉडल एंड से। कॉडल एंड मतलब जो भी पीछे वाला टेल वाला एरिया होता है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो भी एम्ब्रियो है उसके सेफेलोकॉर्टिक फोल्डिंग से, सेफेलो जो भी फोल्डिंग है उसके समानांतरण एमनियोटिक कैविटी के इनलार्जमेंट के कारण से जो भी एमनियो एक्टोडर्म जंक्शन है यह फिटस के वेंट्रल एस्पेक्ट में कन्वर्ज हो जाता है। इस चीज को समझिए। इसमें देखिए, एम्ब्रियो की सेफेलो कॉडल फोल्डिंग, जो भी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, ठीक है, मतलब जो भी एम्ब्रियो है वहां से उसकी साइज बढ़ेगी, तो क्या होता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है। उसके साथ में जो भी एमनियोटिक जो भी कैविटी है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो है वो एमनियोटिक कैविटी में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और जो भी एमनियोटिक कैविटी है उसको कवर करती रहती है। आगे मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट में, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक कैविटी का आकार बढ़ेगा, जो भी एम्ब्रियो है उसके अनुपात में एम्ब्रियो का भी अनुपात बढ़ता है, एम्ब्रियोनिक आपका जो भी सैक है, कैविटी है, वो भी बढ़ती है। और जो भी क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक कैविटी में चला जाता है, मतलब कैविटी की साइज बढ़ती जाएगी। कैविटी है जो सैक है उसको एम्ब्रियो को कवर करता रहेगा, साइज बढ़ती जाएगी, तो जो भी एम्ब्रियो है वो कैविटी में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो यह कनेक्टिव स्टाक के साथ में जो भी एम्ब्रियोनिक कैविटी है उसमें जाने लगता है, और ये कनेक्टिव स्टाक लास्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्लाइकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? एम्ब्लाइकल कॉर्ड। तो इसमें देखिए, मैं आपको आगे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कैसे क्या होता है, कैसे इसका ओरिजिन होता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनिक डिस्क, और आप यहां पे देखोगे ये है कनेक्टिंग बॉडी। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। तो अब देखिए, इसमें आप यहां पे देखोगे ये क्या है जो मैं दिखा रहा हूं, ये है आपका योक शेक, और यहां से आपको देखने को मिलेगा ये है कनेक्टिंग बॉडी, जो कनेक्टिंग स्टाक है वो, और ये क्या है, ये है एमनियन। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब इसमें देखेंगे हम आगे, इसमें आगे क्या होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होगा, तो क्या होता है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये हो गया आपका एम्ब्रियो, ये हो गया आपकी एमनियोटिक शेक। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है योक शेक। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ में आप इसमें एक चीज देखेंगे, तो जो भी ये एमनियोन है, ये एमनियोन है, इसकी साइज बढ़ती जा रही है,
जो भी एम्ब्रियोनिक डिस्क है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है जिसकी भी साइज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, ये है योक शेप, ये बाहर की तरफ यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ रह रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट में देखेंगे हम, तो नेक्स्ट में इसमें देखिए इसका ये थोड़ा डिटेल रूप है, तो इसमें देखिए ये आपको यहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक है, एज ए आपको अम्बिलिकल कॉर्ड है वो दिखाई देगी इनके बीच में, ठीक है। और ये देख सकते हो ये क्या है आपकी एमनियोटिक कैविटी, इसकी भी साइज है वो बढ़ गई है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी फिटस है उसको देख सकते हो, ये फिटस है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें आगे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो भी योग शेक है ये क्या होने लगता है, रेमिटेंट होने लगता है, गायब होने लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपकी पूरी क्या होगी, ये होगी एमनियोटिक शेक, जो भी एमनियोटिक कैविटी है कवर की हुई है, किसको, आपके एम्ब्रियो को, ये एम्ब्रियो को कवर की हुई है, ठीक है। और अब ये देखिए जो आपके कनेक्टिंग स्टॉक थी ये क्या हो गई है, ये हो गई है आपकी अम्बिलाइकल कॉर्ड, ठीक। ये था अम्बिलाइकल कॉर्ड के बारे में कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड, अम्बिलाइकल कॉर्ड की संरचना उसके बारे में। तो जो भी अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको पूरी तरह जब बन जाती है तो उसमें आपको कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी आपको अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे कवरिंग एपिथीलियम, जो भी अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको जो भी कवर करती है वो क्या है, कवरिंग एपिथीलियम। यहाँ एक एमनियोटिक एपिथीलियम की क्या है, एक सिंगल लेयर है, लेकिन ट्रम्प एड पे आप देखोगे तो आपको इसमें फिटल एपिडर्मिस की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देगा। स्ट्रेटिफिकेशन होता है स्थिरीकरण, लाइनिंग होती है ना, वो दिखाई देगी किसमें, आपकी जो भी कवरिंग है एम्बिलाइकल कॉर्ड की, जो भी कवरिंग है, कवरिंग एपिथीलियम है वो एक सिंगल लेयर है, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेटिफिकेशन वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटन जेली, एम्बिलाइकल कॉर्ड के आपने जो कटिंग उसमें देखा होगा उसमें आपको एक जेली जैसी लिक्विड दिखाई देगा, वो क्या है, वाटन जेली। ये क्या है, ये एक जिलेटिनियस फ्लूड है, ठीक है, जिसमें आपको एलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलती है। अब ये जेली किस टाइप की है, तो ये क्या है, ये होती है म्यूकोपोलीसेकेराइड, ठीक है। और जो भी वाटन जेली है ये क्या करती है, ये कवर करती है किसको, एम्बिलाइकल वेसल्स, जो भी एम्बिलाइकल वेसल्स है उनको कवर करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में, एम्बिलाइकल जो भी कॉर्ड है उसमें ब्लड वेसल्स होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कितनी ब्लड वेसल्स होगी, अगर आप टर्म पीरियड पे एम्बिलाइकल कॉर्ड देख रहे हो तो उसमें कितनी ब्लड वेसल्स होगी, वो होगी दो आर्टरी और एक वेन, ये टर्म पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। अगर 4 महीने के टाइम से, प्रेगनेंसी का 4 महीना है, अगर आप उससे पहले की बात कर रहे हो, 2 से 3 महीने की बात कर रहे हो, मतलब 3 महीने की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या कितनी होती है, 4, 2 आर्टरी और 2 वेन, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में टोटल 4 ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है जब एम्बिलाइकल कॉर्ड का निर्माण होता है, निर्माण के टाइम पे उसके बाद में वहां पे कितनी ब्लड वेसल्स होगी, 4, जिसमें 2 आर्टरी और 2 वेन। लेकिन फिर आगे क्या होता है कि, लेकिन जैसे 4th मंथ होता है वहां पे जो भी राइट वेन है वो क्या होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है, वो गायब हो जाती है, कौन, राइट वेन। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, नोट कर लेना, राइट वेन डिसअपियर होती है, कब डिसअपियर होती है, वो होती है आपके 4th महीने पे, ठीक है, 4th मंथ पे। अब यहाँ पे इसके में याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लेफ्ट इज लेफ्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं ना बहुत सारे कि राइट रह गई थी कि लेफ्ट रह गई थी, यहां तो आपने पढ़ लिया कि राइट वेन है वो गायब हो जाती है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि राइट गायब हो रही थी या लेफ्ट गायब हो रही थी। तो वहां पे याद रखने के लिए एक चीज याद रखना, लेफ्ट इज लेफ्ट, कौन सी बच गई, लेफ्ट बच गई, लेफ्ट इज लेफ्ट, ठीक है, कौन सी रह गई, लेफ्ट वाली रह गई और राइट वाली गायब हो गई, ठीक है, लेफ्ट इज लेफ्ट, ये याद रखने के लिए। नेक्स्ट, जो भी अम्बिलाइकल आर्टरीज है उसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा, याद रखना,
क्वेश्चन आया हुआ है अम्बिलिकल आर्टरीज, उसमें आपको कौन सा ब्लड देखने को मिलता है? डी ऑक्सीजनेट ब्लड, ठीक है, अशुद्ध रक्त। और अम्बिलिकल वेन में आपको क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें देखने को मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें? अम्बिलिकल वेन में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अम्बिलिकल को छोड़कर ऐसी कौन सी आर्टरी और वेन है जो सेम अम्बिलिकल की तरह काम करती है? कमेंट कर देना, ये आपको कमेंट करना है इस वीडियो के जो भी कमेंट सेक्शन है इसमें कमेंट करना है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है, मैं अम्बिलिकल आर्टरी की बात नहीं कर रहा, अम्बिलिकल आर्टरी के अलावा ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ऐसी कौन सी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टरी और वेन, उसके आपको दिखा देता हूं। दोनों आर्टरी का डायमीटर है वो वेन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या एक ये है अम्बिलिकस है, जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको बीच से कट किया, तो आप उसको देखोगे कि बीच में से वो दिखती कैसी है, तो इस तरह की दिखाई देगी। ये आप यहाँ पे इसमें वेन देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है? अम्बिलिकल वेन। और ये क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। और इसके अंदर जो भी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये क्या है? ये है वार्टन जेली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी दोनों आर्टरी है, ये देखिए इनका डायमीटर देखो कितना कम है इसकी तुलना में, कम है ना, तो आर्टरी का डायमीटर वेन की तुलना में क्या होता है? कम होता है, ठीक। और नेक्स्ट एक बात और देखिए, अगर अम्बिलिकल आर्टरी सिंगल हो तो यह किसको डिनोट करती है? ये डिनोट करेगी आपके फिटल कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटीज को, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है? दो। अगर अम्बिलिकल आर्टरी एक हुई तो इसका मतलब जो भी बच्चे में क्या है, ये है फिटल कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले लेंथ, लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है लगभग वो होगी 40 सेंटीमीटर, कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। रेंज कितनी हो सकती है? 30 से लेके 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी हो सकती है? 30 से लेके 100 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर से कम हो तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट कॉर्ड, क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉर्ड। अगर कॉर्ड है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉर्ड, क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉर्ड। कोई भी आपको पूछ ले कि शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड में क्या फर्क है, शॉर्ट कॉर्ड कब को बोलेंगे? जब अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 30 सेंटीमीटर से कम हो, वो क्या होगी? शॉर्ट कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल जो भी कॉर्ड है उसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। और एवरेज कितनी होगी? एग्जाम में आए तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर क्या देना है? वो होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर कितना होता है? वो होगा आपका एवरेज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कॉर्ड क्लैम्प आफ्टर बेबी डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी हो गई उसके बाद में कॉर्ड क्लैम्प है वो कैसे करोगे, कॉर्ड को कट कैसे करोगे, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए बेबी की डिलीवरी होगी तो हम जो कॉर्ड है उसको दो जगह से क्या करते हैं? क्लैंप करते हैं। पहला क्लैंप यहाँ अम्बिलिकल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, ठीक है, जो भी अम्बिलिकल है उसकी 5 सेंटीमीटर दूरी पे। उसके बाद में जो सेकंड क्लैंप है, जो भी आपने फर्स्ट क्लैंप लगाया उसे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे करते हैं। देखिए समझाता हूँ, ये आपका न्यू बोर्न हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? न्यू बोर्न। और ये इसकी हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड, किससे जुड़ी है? प्लेसेंटा से, मानिए इसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम फर्स्ट क्लेम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लेम यहां पे किया, यहां पे आपने क्या किया? फर्स्ट क्लेम। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई अम्बिलिकल से? वो हो गई 5 सेंटीमीटर, कहां से? अम्बिलिकल से। सेकेंड क्लैंप आप यहां पे करोगे, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्लैंप किया है, फर्स्ट क्लैंप उससे कितनी दूरी है? वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये इसकी दूरी है और कट आप इसको बीच से करोगे, इन दोनों के बीच से क्या करोगे, यहां से इस कोड को कट करोगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लेम और ये हो गया आपका सेकंड क्लेम। फर्स्ट क्लेम और सेकंड क्लेम इन दोनों के बीच से आप क्या करोगे, कट करोगे कोड को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो भी दोनों क्लेम पे उसके सेंटर पार्ट से हम क्या करते हैं, एम्ब्लाइकल कोड को, एम्ब्लाइकल जो भी कोड कटर है उसकी सहायता से हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये क्या है, ये है कोड क्लेम, ये है क्या है कोड क्लेम। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। और कट किसे करते हैं उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजर से। ये क्या है एम्ब्लाइकल कोड कटर सिस्टर, या इसको हम बोलते हैं कोड कटर सिस्टर, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इनसे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम जो भी कोड है अब उसको हम कब कट करेंगे, ठीक है। जो भी कोड है उसको कट करने का सही टाइम क्या है, तो इसमें देखिए जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड है अगर उसमें जो भी पल्सेशन है, जो भी पल्सेशन है वो रुक जाए तब आपको क्या करना चाहिए, कॉर्ड को कट करना चाहिए, या फिर बेबी के बर्थ के 2 से 3 मिनट बाद में क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग अगर पता चल गई, या तो जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें जो भी पल्सेशन हो रहे हैं वो रुक जाए, या फिर बेबी का जो भी बर्थ हो गया उससे 2 से 3 मिनट बाद में हम क्या करेंगे, कॉर्ड क्लेम करेंगे। जल्दी नहीं, ये नहीं करना कि फर्स्ट मिनट में आपने क्लेम कर दिया, वो गलत है, ठीक है। कभी भी न तो ज्यादा जल्दी करना है न ज्यादा लेट करना है, ठीक है। कब करोगे, या तो पल्सेशन रुक जाए या फिर बेबी के बर्थ के 2 से 3 मिनट बाद में, ठीक। नेक्स्ट अगर डिले कोड क्लेम करते हैं तो उसमें कोड पल्सेशन के कारण से जो भी 80 से 100 ml ब्लड है, ठीक है, आपने थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है, और कोड पल्सेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो भी प्लेसेंटा में जो भी ब्लड बचा हुआ है 80 से 100 ml वो बेबी की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये वाला प्रोसीजर है हम रूटीनली काम में नहीं लेते, अगर आपको लगेगा कि टर्म पे नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो आपको ये प्रोसीजर काम में नहीं लेना है, क्योंकि अगर नॉर्मल बेबी है उसमें ब्लड भी नॉर्मल मिलेगा आपको लेवल, अगर आप फिर भी उसमें जो भी ब्लड है उसमें और पहुंचा रहे हो तो बेबी में क्या हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है और हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो भी अगर नॉर्मल रूटीन टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कोड अबनॉर्मलिटीज, जो भी कोड है उसमें क्या अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, पहले मैं नॉर्मली बताऊं, नॉर्मली जो कोड है वो प्लेसेंटा से कहाँ पे रहती है, कहाँ से अटैच रहती है, उसके मिडल से। जैसे ये प्लेसेंटा हो गई तो जो भी कॉर्ड है वो उसके मिडल से अटैच रहती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो भी कॉर्ड है वो भी प्लेसेंटा के एकदम मिडल से अटैच रहती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे मार्जिनल, ठीक है, अगर जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी हो, ठीक है, इसमें देखिए इसमें कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है, तो हम इसे बेटल डॉट प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटा का क्वेश्चन आया हुआ है, बेटल डॉट प्लेसेंटा क्या है, क्योंकि जो भी अम्बिलिकस है वो कहाँ से जुड़ी रहती है, जो भी प्लेसेंटा है उसके मार्जिन से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये देख सकते हो ये मार्जिन वाला एरिया है किसका, प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा का मार्जिन एरिया है, यहां से ये क्या जुड़ी हुई है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बेटल डोर प्लेसेंटा या मार्जिनल प्लेसेंटा या मार्जिनल अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, मार्जिन से जुड़ी हुई है। नॉर्मली कहां से जुड़ी होनी चाहिए, यहां से इसको निकलना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बेटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट फर्केट, इसमें जो भी कॉर्ड की वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो प्लेसेंटा से पहुंचने से पहले क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है, ठीक है। जो भी ये प्लेसेंटा है यहाँ पे जो भी कॉर्ड है उसकी जो भी ब्लड वेसल्स है वो यहाँ से क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है, ये क्या है फर्केट
कैट। और इसी के तरीके से आपको एक और अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, वो है वेलामेंटस। इसमें जो भी कोर्ड की ब्लड वेसल्स है, यह एमनियोन से अटैच रहती है। किसे अटैच रहेंगी? एमनियोन से। और वहीं से वो क्या करती है, प्लेसेंटा तक रेमिफाई होती है। रेमिफाई होना मतलब अपनी जो भी ब्लड वेसल्स की ब्रांच है वो वहीं से फैलाती है, ठीक है, वहीं से फैलाती है। ये क्या है? वेलामेंटस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड है, देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके जो भी ब्लड वेसल्स है वो यहीं से डिवाइड हो गई, और यहीं से ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और ये यहाँ पे कहाँ से अटैच है? ये है एमनियन से, एमनियन से अटैच है, और फिर आगे रेमिफाई हो रही है, ठीक है। ये क्या है? वेलामेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये था आपके एम्बिलाइकल कोड के बारे में। इसमें क्वेश्चन आ सकता है एक तो इसका कि इसमें कितनी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, कोड को कट कब करोगे, ठीक है, और ये वेलामेंटस और बेटल डॉट प्लेसेंटा, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक क्वेश्चन ये आया था, जो भी एम्बिलाइकल कोड है उसका निर्माण कहाँ से होता है? तो वो होता है आपकी कनेक्टिंग स्टाक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी स्टाक। और एक क्वेश्चन ये आया था, अदर नेम ऑफ एम्बिलाइकल कॉर्ड, तो वो क्या होगा? होगा फ्यूनिस, ठीक है। तो ये था एम्बिलाइकल कॉर्ड के बारे में। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, 699 रुपए में हमारा नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स अवेलेबल है, उसमें आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। CHO एग्जाम का कोर्स अवेलेबल है, वो है 399 रुपए में, कंटेंट आपको ये सब मिल जाएगा, 1 साल के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओम नर्सिंग एकेडमी हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए, और आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसे लाते रहेंगे। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।